हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने वाला है भतुआ साग। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बंडल भतुआ साग का ले लिया है। लिया है यहाँ पे एक टमाटर, थोड़ा सा प्याज काट लिया है मैंने, लिए है थोड़े से लहसुन, 3-4 हरी मिर्च, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू। ये करीब 2 आलू है जिसे मैंने डाइसेस में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें हम डाल देंगे आलू। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी और आलू को हम अच्छे से कर लेंगे फ्राई। तो आलू को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही कलर इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा हम आलू को निकाल लेंगे। तो देखिए आलू में अब थोड़ा सा लाल लाल कलर आ गया है ना, अब इसे अब हम निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में डालेंगे थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन। इसके साथ ही हम डाल देंगे एक पूरा प्याज। ये बारीक कटा हुआ प्याज हमने यहाँ पे डाला है, ये करीब एक पूरा प्याज हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसे कर लेंगे अच्छे से फ्राई। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाए इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो एक पूरा टमाटर हमने यहाँ पे काट लिया है और इसे डाल दिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे फ्राई। इसमें डालेंगे हम 3 मिर्च। तो आप मिर्च अपने हिसाब से डाल दें, अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। इसके साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करेंगे। तो 1/4 करीब मैंने सारे मसालों को ऐड किया है। नमक हमने अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड किया है और हल्दी 1 चुटकी भर। तो इसमें अब हम डाल देंगे भतुआ साग। आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी अभी डबल है। इसे हम ढक कर कुछ देर के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। अब देखिए अब इसका क्वांटिटी जो है वो घट गया है। तो अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे। इस सब्ज़ी की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आपको यहाँ पे साग को ना काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उसे साबुत ही इसमें डाल सकते हैं और ये इतने अच्छे से गल जाएगा ना कि आपको बहुत ज़बरदस्त स्वाद आने वाला है। अब इसमें हम डाल दिए हैं आलू, आलू को जिससे हमने बहुत अच्छे से पहले ही फ्राई करके रख लिया था। अब सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। लीजिए साग, आलू और बाकी के जितने मसाले हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी भी है वो भी सूख गया है और हमारा सब्जी भी जो है अब रेडी हो गया है। तो लीजिए इसे हम कर लेते हैं सर्व। इसे आप खाइए गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर गर्मा गर्म चावल के साथ, दोनों के साथ ही ये बड़े अच्छे लगते हैं।